हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइम पे मेरी स्किन हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो लेट्स स्टार्ट द स्किन केयर। सो मैंने यहाँ पे अपने हेयर्स को पहले टाइटन कर लिया है इस हेयर बैंड की हेल्प से, जो कि मैंने एक मेले में से लिया था, मीशो से भी मंगाया था, बट वो बहुत छोटा सा आया, मेरे किसी काम का नहीं है, वो गुरांशी के काम आएगा। सो मैंने अपने फिंगर्स के रिंग को भी रिमूव कर लिया है ताकि मेरी स्किन इरीटेट ना हो इन रिंग से। फर्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुडवाइज़ का, तो यहाँ पे सारे ही प्रोडक्ट मैं गुडवाइज़ के यूज़ करने वाली हूँ। ये है गुडवाइज़ का फेस वॉश पोमीग्रेट, बहुत ही अच्छा है, इट्स माई करंट फेवरेट, मैंने बहुत यूज़ किया है इसको। ये मेरा शायद सेकेंड बॉटल है। कुछ फेस वॉश है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ प्रोडक्ट मेरे ऐसे हैं जो कि मैं इसकी कर करके यूज़ करती रहती हूँ। तो मैंने अप्लाई कर लिया है, अच्छे से मसाज कर ली है, एज अ क्लिंजिंग भी मैंने फेस वॉश ही यूज़ किया है। आप क्लिंजिंग कर लीजिए या फेस वॉश कर लीजिए, एक ही है। यहाँ पे उपटन फेस टोनर यूज़ किया है, ये भी गुड वाइब्स का है, बहुत ही अच्छा है, ये भी मेरा करंट फेवरेट है। अगर आप मेरे फेवरेट प्रोडक्ट जानना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। स्क्रब के लिए यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का स्ट्रॉबेरी स्क्रब यूज़ किया है फॉर एक्ने स्किन, सेंसिटिव स्किन, और बहुत ही अच्छा है, ब्राइटनिंग स्क्रब है। इसको अच्छे से स्क्रब कर लिया और अपने फेस को वॉश कर लिया। बहुत लाइट हैंड से आपको इसको स्क्रब करना है, इसके पार्टिकल्स थोड़े से हार्श है, इसका आपको ध्यान रखना है। फेस पैक अप्लाई कर लिया, ये गुड वाइब्स का ग्लो फेस पैक था, क्लिप डिलीट हो गई। 10 मिनट्स के बाद फेस वॉश कर लिया, यू कैन सी द ग्लो, बहुत ही प्रीटी ग्लो मिला था मुझे। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, लव यू।